श्री अरविंद ने कहा था कि किसी देश का, किसी महान देश का पतन तीन गुणों में क्षरण के कारण होता है। जब तीन गुण धीरे धीरे किसी समाज में, किसी देश में कम होने लगते हैं तो उस देश का पतन अवश्यंभावी। वह तीन गुण उन्होंने बताए थे, विवेकपूर्ण विचार करने की क्षमता, दूसरा तुलना और विभेद करने की क्षमता, और तीसरा अभिव्यक्ति की क्षमता। वो इन तीन गुणों को महान देश के की गुणवत्ता का लक्षण मानते हैं। आप देखिए, इसमें गरीबी नहीं है, इसमें शोषण नहीं है, इसमें है विवेकपूर्ण विचार करने की क्षमता, तुलना और विभेद कर सकने की क्षमता और अभिव्यक्ति की क्षमता। और आप नोट करें कि यह तीनों क्षमताएं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दायरे से बाहर है। यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विषय नहीं है, यह ज्ञान का विषय है, यह दर्शन का विषय है, यह साहित्य का विषय है, यह भाषा का विषय है। और अगर इसके अध्ययन पर हम ध्यान नहीं दें और इसके बारे में अपने नौनिहालों को, अपनी नई पीढ़ी को सचेत करने का प्रयत्न हम ना करें तो हम जो हानि कर रहे हैं वह इन तीन गुणों में हानि में अभिव्यक्त होता है। यह भारत का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ वाचिक परंपरा के कारण और अन्य कारणों से भी, एक परिवार और समाज की अपनी परंपरा के कारण भी, इसके बावजूद इन गुणों का क्षरण उतना नहीं हुआ है जितना किसी और देश में हो जाता, क्योंकि हमने पूरी व्यवस्था वैसी करके रखी है।